फर्स्ट ईयर में अगर उसको इंटर्नशिप का मिल रहा है तो बहुत अच्छा चीज है। बहुत अच्छा लगा सर मुझे सलोनी ने बताया था। फर्स्ट ईयर में ये आर्यन की दूसरी इंटर्नशिप है, फिर IIT का नाम सुन के घर वाले भी काफी खुश हैं। आप लोगों ने ये वर्क किया जो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। नमस्ते सभी को। तो पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जो फर्स्ट ईयर के एंड में आपके बच्चों ने किया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। फर्स्ट ईयर में समर इंटर्नशिप लगना कोई आम बात नहीं है। जनरली जब मैं IIT में था, थर्ड ईयर के बाद ही किसी की इंटर्नशिप लगती थी टेक। तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि कैसा लगा जब आपको बच्चों ने ये न्यूज़ दी। अच्छा लगा सर हम लोग को भी कि फर्स्ट ईयर में अगर उसको इंटर्नशिप का मिल रहा है तो बहुत अच्छा चीज है। अनुराग आपको क्या लगता है? पहले मैं इसकी जर्नी बता देता हूँ। 12th में ये बहुत ज्यादा कोडिंग और यूट्यूब पे ये वीडियो बनाता था, कोडिंग से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड। तो हम लोग हमेशा उसको पुश करते थे कि आप अपने एकेडमिक पे ध्यान दो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हम लोग बहुत टेंशन में भी थे कि इसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। लेकिन ये जब इस कॉलेज में एंट्री लिया, फिर हमने मतलब हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं थोड़ा सा, तो फीस की नॉर्मली थोड़ी सी हाई थी नॉर्मल कॉलेज के मुकाबले। तो हम लोग बहुत, और ये कॉलेज अभी न्यू भी था तो हमारे लिए बहुत थोड़ा सा रिस्क था। फिर हमने आर्यन के ही कहने पे हमने ये रिस्क लिया पेरेंट्स ने कि चलो ठीक है मेरा बेटा कह रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन फिर मैंने वहाँ पे जाके फैकल्टी को देखा, वहाँ पे मैकबुक जो भी मतलब फैसिलिटी जो भी व्यवस्था या फिर सारी चीज़ें थी वो बहुत मतलब वैल्यू फॉर मनी लगी। तो मैं अपने कॉलेज से कंपेयर कर पाया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि फालतू की ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। और मेन चीज़ जो कंपनी ओरिएंटेड है, ये बहुत ज़रूरी है कंपनी ओरिएंटेड चीज़ बच्चों को पहले से ही बताना। अनु के पापा को कैसा लगा? अच्छा तो लगा था, बट उन्होंने जिस तरह से बताया कि पापा हम जाना चाह रहे हैं, तो हमने भी इसको सपोर्ट किया कि चलो तुम्हें लगता है कि अच्छा है तो फिर कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हमारा शुभकामना तुम्हारे साथ है। आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपने एक साल में अपने बच्चों में क्या बदलाव देखा है? तो आर्यन स्कूल जाने से डरता था 3-4, वो 10-10 घंटे कॉलेज में बैठ रहा है, 10-10 घंटे कोडिंग कर रहा है, तो एफर्ट दिखाया उन्हें। दो चीज इसके अंदर पहले नहीं थी जो अभी आ चुकी है। पहली चीज ये है कि रेगुलरिटी, पहले ये 12th में था तो बिल्कुल रेगुलर नहीं था, स्कूल नहीं जाता था। जो रेगुलरिटी यहाँ पे आ चुकी है, हर दिन डेली कोडिंग करना, डेली क्लास अटेंड करना, डेली मीटिंग करना, सारी चीज़ें, ये रेगुलरिटी पहले नहीं थी जो कि अब दिख रही है मुझे क्लियरली। और दूसरा वर्किंग ऑन हिज स्किल, मुझे लगता है कि वहाँ जाने के बाद से ही इसका मतलब नया रूप देखने को मिला, क्योंकि तो इसको मिला है ना कोडिंग का और AI का, जिसमें जो जाना चाहता है, इसलिए मुझे लगता है कि एंजॉय हो के उसमें अच्छे से कर रहा है। पहले से और फोकस्ड हो गई है और मेहनती हो गई है, और कोडिंग जो चीज नहीं आती तो उसको सीखने और ज्यादा प्रयास करती है। आप लोगों ने ये वर्क किया जो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। अनुराग जी, हमारी इतनी मेहनत है, बच्चों की इतनी सारी मेहनत है, हम हमेशा मतलब ऐसे कॉलेज हैं जो अपने स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स को भी साथ लेके चलते हैं, उनसे भी फीडबैक लेते रहते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। ये सारे बच्चों को पता है, हमारे लिए कोई फीडबैक, आपने जो साल भर की जर्नी देखी है हम लोगों की, हमारे लिए कोई फीडबैक, कोई चीज हम बेहतर कर सकते हैं। तो थोड़े से और अगर मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ कंपटीशन, थोड़े एंट्रेंस एग्जाम के लेवल और अच्छे होंगे तो और अच्छे लोग भी आएंगे। इस बार इतना अच्छा नाम हो गया न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारे बच्चों के कारण। इस बार हमारे मतलब जितना हमने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। हम लगभग 95% बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत हाई क्वालिटी बच्चे आ रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो सब तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो इनके जूनियर्स और भी इनको चैलेंज करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप लोग का जो 1 ईयर का है वो तो आर्यन बताते रहते हैं, जैसे फैकल्टीज हो गया, जो भी वहाँ के है, चाहे इंस्टीट्यूट के हो चाहे हॉस्टल जो भी है, तो उसको बरकरार रखिएगा। अभी भी इंडिया में देखें अगर, तो फीमेल चाइल्ड को एजुकेशन कुछ पेरेंट्स आज भी प्रमोट नहीं करते। आप दूसरी फीमेल चाइल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें, स्पेशली अगर आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी बच्चियों की जर्नी देखोगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो सेफ्टी के पर्पस से मुझे न्यूटन में बहुत अच्छा लगा कि सेफ्टी वहाँ पे सबकी निगाहें अच्छी हैं, व्यवस्था अच्छी है और हर तरह की वार्डन भी अच्छी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि फीमेल के लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट होती है, कि वहाँ सेफ्टी वो रह के पढ़ सके, आगे बढ़ सके। कहीं भी जाना तो पहले मम्मी पापा से गाइड करके 9 बजे के बाद आना है कि नहीं आना,
ये सब बहुत अच्छा लगा हमको आपका। मैं ये बोलना चाहूंगी सभी पेरेंट्स के लिए, बोलना चाहूंगी कि सभी अपने बच्चों को लड़कियों को बढ़ावा दें, और बाकी बस थैंक यू आपके लिए, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं आप बच्चों का। सलोनी बहुत तारीफ करती है आपके कॉलेज की, बार्डन मैम की भी बहुत तारीफ करती है, एकदम माँ की तरह ख्याल रखती है वो। हमारा एक छोटा प्रयास है एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करने का जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में सोचे, उनको ऊपर पर्सनल अटेंशन दे और इंडस्ट्री के लोग लेके आए। अभी तो इनके जो सेकंड अभी जो आने वाला साल है उसमें तो एकदम और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो सिर्फ इन्हीं को पढ़ाने के लिए अपन लेके आ रहे हैं। अभी भी कई बच्चों को लगता है कि ये नया कॉलेज है, कैश में लें नहीं लें, स्पेशली माँ बाप को, आप उन माँ बाप के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं खुद एक स्टूडेंट का पेरेंट्स या फिर ब्रदर हूँ, जो मैं फील किया हूँ कि यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो आप आंख बंद करके उसके फ्यूचर की नो टेंशन ले सकते हैं। सबको यही बोलता हूँ कि मतलब उनको पढ़ाई करना है तो आ जाओ, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, बहुत अच्छा है। बच्चों को जैसे जो जो फील्ड में इंटरेस्ट है, और हम बच्चों का सोच रहता है कि हम अच्छे अच्छे कॉलेज में जाए, जैसे न्यूटन है बेस्ट कॉलेज, ऐसे आना ही चाहिए। ऐसे मतलब ऐसे फैकल्टी है कि बच्चों को सही में सही राह दिखा देते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि जनरली कॉलेज में जाके बच्चों की मेहनत का कम हो जाता है, खासतौर पर पहले 2-3 साल, हमारे यहाँ अगर बच्चे आके और पढ़ रहे हैं। सर यहाँ का जो यहाँ का न्यूटन का मतलब कहा जाए न्यूटन के बारे में, तो यहाँ का जो कोर्स है वो काफी अपडेट है और कॉलेजों की अपेक्षा, और साथ में उसका योगा और चीजें जो एक्स्ट्रा करिकुलम जुड़ा हुआ है वो बहुत अच्छी चीज है कि बच्चा साथ में पढ़ाई भी कर रहा है प्लस ये चीजें भी सीख रहा है और उसको भी कर रहा है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बच्चों को हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ, तो योगा के बहाने वो भी कम हो जाता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आजकल तो लाइफ ऐसी है, इतनी फास्ट चलती है कि मेंटल स्ट्रेस तो होना ही होना है बच्चों को, साथ में पढ़ना भी है ये भी देखना है, तो ये चीज की कोर्स भी अपडेट है और प्लस साथ में योगा स्विमिंग बैडमिंटन अदर कुछ स्पोर्ट्स वो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। ना सिर्फ ये लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इन लोगों ने फेस्ट कराया, ये लोग मतलब दुनिया भर की जगह घूमने जाते हैं, देखते हैं, चीजें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, रोबोटिक्स से लेकर ड्रोन से लेकर, तो इनका फन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी फन करते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल पूरा लाइफ यहाँ की जो न्यूटन की लाइफ है बड़ी अच्छी है, मजेदार, एंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है। आई थिंक आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए अपने बच्चे बच्चियों पे, और मुझे पूरा विश्वास है ये ऐसे ही करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और अपने देश के लिए भी। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत टाइम के लिए। थैंक यू।